हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिस एंड ब्लूम्स। आज आपसे ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप बीज के द्वारा बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं और ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में फूल पा सकते हैं। क्योंकि जब हम महंगे महंगे प्लांट्स लाते हैं और वो अगर नहीं चलते हैं तो बहुत दुख होता है, और सीड से हम ग्रो करते हैं तो एक नहीं हमें ढेरों प्लांट्स मिलते हैं। तो पहला प्लांट है ये देसी पेटूनिया। पहले तो सिर्फ सर्दी में पेटूनिया आया करता था, पर अब गर्मी वाले भी अवेलेबल है। दूसरा है ये टोरेनिया। टोरेनिया ड्वार्फ होता है, लेकिन इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं, बहुत ढेर सारे कलर्स आते हैं। और ये तीसरा ये है ब्लैक आई सजैन। ये थनबर्जिया ऑल्टा की वैरायटी है और इसमें दो कलर्स आते हैं और सीड पॉड बनता है बाद में। और ये है रेलवे क्रीपर। ये वाइल्डली ग्रो होती है, कहीं भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगी और इसमें सीड पॉड बनता है। ये है रेन लिली। रेन लिली में भी फ्लावर्स पेंट होने के बाद सीड्स बनते हैं और ये ढेरों कलर्स में अवेलेबल है। और ये है पीकॉक फ्लावर, इसमें भी सीड्स बनते हैं और आप सीड्स लेकर के ढेर सारे प्लांट्स जो है ग्रो कर सकते हैं। फिर है ये बार्लेरिया। बार्लेरिया को वज्रदंती भी कहते हैं और इसके भी फ्लावर्स स्पेंट होने के बाद सीड्स बनते हैं। और ये है बटरकप। बटरकप में भी फ्लावर आने के बाद इसमें सीड पॉड बनता है, फिर इससे आप सीड्स ले करके और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फिर ये है साइप्रस वाइन, इसको स्टार वाइन भी कहते हैं, गणेश बेल भी कहते हैं। इसमें भी फ्लावर स्पेंट होने के बाद सीड बनता है, जिससे आप ढेर सारे प्लांट्स उगा सकते हैं। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें भी ढेर सारे सीड्स आते हैं और आप इससे ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये है क्लेमेटिस, इसमें भी जब फ्लावर स्पेंट हो जाता है फिर इसमें सीड पॉड बनता है, फिर उससे सीड गेन करके और आप ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और ये है हारसिंगार। हारसिंगार में भी इस समय सीड जो है वो आपको दिखेगा और उससे आप सीड पक जाए तब ले करके और सीड ग्रो कर सकते हैं। ये है दियाबाती। ये मेलो फैमिली को बिलोंग करता है और इसमें भी फ्लावर स्पेंट होने के बाद सीड पॉड बनता है। और ये है कचनार। कचनार में भी ढेर सारे कलर्स अवेलेबल हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको मैं कभी कोई कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं लगता है। और ये है फोर ओ क्लॉक में भी इस समय बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इसमें भी फ्लावर आने के बाद सीड पॉड बनता है। और ये है अपराजिता, इसमें भी फलियां आती हैं फ्लावर स्पेंट होने के बाद और फिर आप जब वो सूख जाए तब आप उनसे सीड गेन करके ले सकते हैं। और ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी में भी फ्लावर स्पेंट होने के बाद सीड पॉड बनता है, फिर आप इससे सीड्स गेन कर सकते हैं। और ये है सैंड पेपर वाइन, इससे भी आप इसमें भी सीड्स बनते हैं और सीड्स ले करके और इसकी कटिंग से भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये है धतूरा। आजकल धतूरा बहुत ट्रेंड में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ और कलर्स आते हैं, इसमें भी सीड्स बनते हैं। सो हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू वेरी मच।